स्नैपडील सेलर ट्रेनिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप किस तरह स्नैपडील पर सेलर पैनल यूज करके ब्रांड्स मैनेज कर अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं। मैनेज ब्रांड समझने के लिए पहले जान लेते हैं कि ब्रांड ऑथराइजेशन का क्या मतलब होता है। ब्रांड ऑथराइजेशन का मतलब होता है कि आपने किसी प्रोडक्ट के जरूरी ब्रांड ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिए हैं, यानी जो प्रोडक्ट आपने स्नैपडील पर सेल करने के लिए लिस्ट किया है वह ओरिजिनल है और जेन्युइन है। ब्रांड को ऑथराइज करवाने से स्नैपडील और आपके कस्टमर को एक आश्वासन मिलता है कि आप उन्हें हाई क्वालिटी व जेन्युइन प्रोडक्ट्स ही सेल कर रहे हैं। इससे कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर होता है और आपका बिजनेस ग्रो करता है, और इसके अलावा आप उस प्रोडक्ट को सेल करने वाले स्नैपडील के एक ऑथेंटिक सेलर बन जाते हैं। इस तरह सेलर इंटरेस्ट भी सेफगार्ड होता है और ब्रांड ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट से सेलर के ब्रांड नेम के डैमेज होने के इंस्टेंसेस कम हो जाते हैं। जेन्युइन और ओरिजिनल प्रोडक्ट्स मिलने से बायर का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहता है, जिससे सेलर रेटिंग भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट होती है। आइए अब जानते हैं कि अगर आपके प्रोडक्ट ब्रांड ऑथराइजेशन के कारण डीलिस्ट हो गए हैं या आप कोई ऐसा प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हैं जिसके लिए ब्रांड ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो वो कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको सबमिट करने होंगे। अगर आप एक प्राइवेट लेबल के अंडर ऑपरेट करते हैं, यानी आपने अपनी खुद की फर्म को रजिस्टर करवा रखा है और एक ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अटेन करते हैं गवर्नमेंट से, तो इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट होंगे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन या एफिडेविट। अगर आप किसी ब्रांड से प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हैं या उसके ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैं, तो आप ब्रांड या उसकी ऑथराइज्ड एजेंसी द्वारा इशूड ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर या प्रोडक्ट इनवॉइस भी सबमिट कर सकते हैं। ध्यान रहे कि वैट यानी प्रोडक्ट इनवॉइस में दोनों पार्टीज की डिटेल होनी बहुत जरूरी है। साथ के साथ वैट इनवॉइस 3 मंथ से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और मिनिमम यूनिट्स जो खरीदे गए हैं 10 से कम नहीं होने चाहिए। अपने ब्रांड ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट को सबमिट करने और सबमिटेड डॉक्यूमेंट के स्टेटस को ट्रैक करने के प्रोसेस को मैनेज ब्रांड्स कहा जाता है। इन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के लिए आप सेलर पैनल के मैनेज ब्रांड सेक्शन में जाएंगे। मैनेज ब्रांड्स में जाने के लिए पहले सेलर पैनल के कैटलॉग सेक्शन में आएं और प्रोडक्ट पर क्लिक करें। जब आप ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस रेड कलर में हाइलाइटेड होंगे। यहीं पर सबसे नीचे आप देखेंगे मैनेज ब्रांड्स का ऑप्शन। ऐड ब्रांड टैब पर क्लिक करके अपने ब्रांड और कैटेगरी जिसमें आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं उसके लिए जरूरी इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले जिस ब्रांड और कैटेगरी में आप सेल करना चाहते हैं उसकी डिटेल्स फिल करें। अगर आप किसी ऐसे ब्रांड में डील करते हैं जो कि स्नैपडील के कैटलॉग में पहले से लिस्टेड है, तो ऐसे में आपको ब्रांड ऑथेंटिसिटी डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना होगा। अब इसी के नीचे नेक्स्ट स्टेप फॉर यू सेक्शन में आप सैंपल डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी देख सकते हैं, जैसे कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और एप्लीकेशन का सैंपल, ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर का सैंपल। स्नैपडील आपको रिकमेंड करता है कि आप हमेशा नेक्स्ट स्टेप फॉर यू में बताए गए रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही डॉक्यूमेंट सबमिट करें। चूज फाइल टू अपलोड पर क्लिक करके रेलेवेंट ब्रांड ऑथेंटिसिटी डॉक्यूमेंट को अटैच कर सबमिट करें। इसके अलावा अगर आप अपने प्राइवेट लेबल के प्रोडक्ट्स को लिस्ट करवाना चाहते हैं जो कि स्नैपडील के कैटलॉग में प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे में आप स्नैपडील द्वारा ऑटो जनरेटेड लोगो को सिलेक्ट करें और ब्रांड डिस्क्रिप्शन फिल करने के बाद अपने ब्रांड को रजिस्टर करवाने की रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। आप ब्रांड का लोगो किसी भी समय मैनेज ब्रांड सेक्शन में जाकर चेंज कर सकते हैं। ब्रांड लोगो को चेंज करने का प्रोसीजर हम मैनेज ब्रांड सेक्शन के दौरान समझेंगे। आइए अब जानते हैं कि आप किस तरह सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं, और यदि आपके प्रोडक्ट्स ब्रांड ऑथराइजेशन के कारण डीलिस्ट हो चुके हैं तो आप पैनल पर किस तरह डॉक्यूमेंट सबमिट कर पाएंगे। मैनेज ब्रांड्स पेज पर आप 2 टैब्स देख पाएंगे, पहला माय ब्रांड्स और दूसरा ऑथराइजेशंस रिक्वायर्ड। माय ब्रांड्स वह ऑप्शन है जहां आप अपने सभी सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। यहां आप ब्रांड, कैटेगरी, टाइप, अटैच की हुई रेलेवेंट फाइल्स, डॉक्यूमेंट सबमिट करने की डेट, आपके द्वारा सबमिट किए गए डॉक्यूमेंट्स का पेंडिंग, अप्रूव्ड व रिजेक्टेड स्टेटस और टिकट आईडी भी आप यहीं देख सकते हैं। आप अपने ब्रांड एडिशन रिक्वेस्ट के अप्रूव होने के बाद अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट करने और एडिट करने की रिक्वेस्ट भी यहां पर सबमिट कर सकते हैं। स्नैपडील आपको रिकमेंड करता है कि आप अपने प्राइवेट लेबल को प्रोटेक्ट करने के लिए रेलेवेंट ऑथेंटिसिटी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करें, जिससे कि कोई और सेलर आपके प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं तो उन्हें आपसे पहले ऑथराइजेशन लेना होगा। ऐसा करने के लिए आप मैनेज ब्रांड सेक्शन में अप्रूव्ड स्टेटस के सामने
दिखाए गए तीन डॉट्स पर जाकर प्रोटेक्ट योर ब्रांड पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि ब्रांड नेम और कैटेगरी ऑटो पॉपुलेट हो जाती है। इसके साथ साथ आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का सैंपल और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन या एफिडेविट का सैंपल भी यही देख सकते हैं। इसके बाद अटैच फाइल्स पर क्लिक कर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन या एफिडेविट अटैच कर सबमिट पर क्लिक करें। स्नैपडील से आपको 24 आवर्स के अंदर आपके ब्रांड या ट्रेडमार्क के ऐड होने की जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा माय ब्रांड सेक्शन में आप अपने ब्रांड को फर्दर एडिट करने की रिक्वेस्ट भी सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए आप एडिट योर ब्रांड्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके ब्रांड का नाम ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। आप यहां पर अपने ब्रांड नेम के एट्रीब्यूट्स जैसे कि ब्रांड डिस्क्रिप्शन, ब्रांड लोगो, स्टोर फ्रंट के लिए बैनर और स्टोर लोगो को एडिट कर सकते हैं। यहां पर आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि ब्रांड लोगो, बैनर और स्टोर लोगो का साइज 15 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए अथवा फाइल फॉर्मेट JPG या JPEG होना चाहिए। इसके अलावा ब्रांड नेम को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप ब्रांड नेम चेंज करना चाहते हैं तो ऐसे में दोबारा से एक नए ब्रांड को ऐड करने की रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। ऑथराइजेशंस रिक्वायर्ड वह ऑप्शन है जहां आप वह सभी लिस्टिंग्स देख पाएंगे जिनके लिए आपको ब्रांड ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। आप किसी लिस्टिंग को ब्रांड नेम के द्वारा भी सर्च कर पाएंगे। अब यही सबमिट डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करके आप देखेंगे कि ब्रांड नेम और कैटेगरी ऑटो पॉपुलेट हो जाती है। इसके बाद रेलेवेंट डॉक्यूमेंट को अटैच करने के लिए चूज फाइल टू अपलोड पर क्लिक करें और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करें। आइए अब देखते हैं प्रोडक्ट लिस्ट करने के स्टेप्स। स्नैपडील पर अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करने के लिए आप कैटलॉग के ऐड प्रोडक्ट बटन पर क्लिक करें। ऐसा करने से आप ऐड प्रोडक्ट पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहां आप प्रोडक्ट्स को ऐड करने के दो स्टेप्स देख पाएंगे, सेल एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सेल अ न्यू प्रोडक्ट। सेल अ न्यू प्रोडक्ट में आप सिंगल लिस्टिंग और बल्क लिस्टिंग के दो अलग अलग ऑप्शंस देख सकते हैं। अगर आप न्यू प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो सेल अ न्यू प्रोडक्ट के ठीक नीचे क्रिएट अ सिंगल लिस्टिंग पर क्लिक करें। यहाँ सबसे पहला टैब है कैटेगरी। अब आप पहले कैटेगरी सेलेक्ट करें, उसके बाद सब कैटेगरी और फिर प्रोडक्ट टाइप। इसी के साथ आप सर्च बार में प्रोडक्ट कैटेगरी का नाम भी टाइप कर सकते हैं और उसके बाद सर्च रिजल्ट्स में से सूटेबल ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ब्रांड लिस्ट में से अपने प्रोडक्ट का ब्रांड सेलेक्ट करें। अगर आपका ब्रांड स्नैपडील के साथ रजिस्टर्ड नहीं है तो एक मैसेज डिस्प्ले होगा जो बताता है कि आपको प्रोसीड करने से पहले अपने ब्रांड को रजिस्टर करवाना होगा। अब नेक्स्ट पर क्लिक करें। अगला टैब है की डिटेल्स। यहां आप डिटेल्स फिल करें। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि सभी मैंडेटरी फील्ड्स मार्क्ड हैं एक एस्ट्रिक से और एक लिस्टिंग्स को कंप्लीट होने के लिए इन फील्ड्स को फिल करना बेहद जरूरी है। अब आप SKU कोड यानी कि स्टॉक कीपिंग यूनिट कोड एंटर करें। आप देखेंगे कि प्रीवियस स्टेप में जो ब्रांड नेम आपने सेलेक्ट किया था वह ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। इसके बाद प्रोडक्ट नेम एंटर करें और अपने प्रोडक्ट का कंप्लीट और करेक्ट डिस्क्रिप्शन फिल करें। इससे कस्टमर को प्रोडक्ट खरीदने में आसानी होती है। EAN यानी यूरोपियन आर्टिकल नंबर और UPC यानी कि यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ये बारकोड के फॉर्मेट्स हैं जो कि एक ऑप्शनल फील्ड है। अब नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके बाद आप इमेज टैब देख पाएंगे। यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट की इमेजेस को डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। इमेजेस अपलोड करने के लिए प्लस साइन पर क्लिक करें। यहाँ दो ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं, चूज फ्रॉम लाइब्रेरी और चूज फ्रॉम योर कंप्यूटर। आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। कंप्यूटर से इमेजेस अपलोड करने पर इमेजेस ऑनलाइन टूल के जरिए ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो जाती हैं और इमेजेस का रेजोल्यूशन, उनका साइज और उनकी क्वालिटी का ध्यान रखा जाता है ताकि स्नैपडील वेबसाइट पर लिस्टिंग ठीक प्रकार से हो सके। आप इमेजेस का ऑर्डर चेंज करने के लिए उन्हें ड्रैग और ड्रॉप भी कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आप एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए मैक्सिमम 12 इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पर क्लिक करें। यहां से आप आते हैं एट्रीब्यूट सेक्शन पर। टेक्स्ट और ड्रॉप डाउन की मदद से यहां सभी डिटेल्स फिल करें। यहां सभी मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स को फिल करें। अगर आप कोई भी मैंडेटरी फील्ड फिल करना भूल गए हैं तो ऐसे में उस पर्टिकुलर टैब पर रेड सर्कल में नंबर इंडिकेट होगा जो कि ये दर्शाता है कि कितने मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स मिस हुए हैं। हम रिकमेंड करते हैं कि आप नॉन मैंडेटरी फील्ड्स भी जरूर फिल करें। ध्यान रहे कि जितनी ज्यादा आप प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे उतने ही ज्यादा ऑर्डर्स और सेल्स आपको मिलेंगे। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आप आते हैं लास्ट टैब पर जो कि है शिपिंग एंड प्राइसिंग। यहां पर आपको एंटर करना होता है MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसके बाद सेलिंग प्राइस, इन्वेंट्री, शिपिंग टाइम इन डेज और प्रोडक्ट की डायमेंशंस।
अगर आपके प्रोडक्ट के लिए वुडन पैकेजिंग रिक्वायर्ड है तो वह भी आप यहीं पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस लिस्टिंग पर बाद में काम करना चाहते हैं तो इसका ड्राफ्ट आप सेव कर सकते हैं और बाद में फिर ट्रैक लिस्टिंग के जरिए इसे एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद प्रोडक्ट लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए एड टू कैटलॉग पर क्लिक करें। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से स्नैपडील पर लिस्टेड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को आप अपने कैटलॉग में ऐड कर सकते हैं। इसके लिए कैटलॉग के ऐड प्रोडक्ट बटन पर क्लिक करें। यहां आपको सेल एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का ऑप्शन मिलेगा, जिससे कि आप अपने कैटलॉग में प्रोडक्ट्स ऐड कर पाएंगे। किसी भी प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए SUPC या प्रोडक्ट नेम टाइप करें और फाइंड पर क्लिक करें। ऐसा करने से सभी रेलेवेंट प्रोडक्ट्स की लिस्ट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। जो प्रोडक्ट्स आप पहले से सेल कर रहे हैं उनके सामने स्टार्ट सेलिंग का बटन दिखाई देगा। स्टार्ट सेलिंग पर क्लिक करने से आप एड अ प्रोडक्ट पेज देख पाएंगे। यहाँ आप सिलेक्टेड प्रोडक्ट की इमेज, उसका SUPC और बाकी प्रोडक्ट डिटेल्स देख पाएंगे। इसके अलावा आप इस प्रोडक्ट का स्नैपडील वेबसाइट लिंक भी यहीं देख सकते हैं। इस प्रोडक्ट को अपने कैटलॉग में ऐड करने के लिए आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी होंगी, जैसे कि SKU कोड यानी स्टॉक कीपिंग यूनिट, इन्वेंट्री, सेलिंग प्राइस जो कि MRP से ज्यादा नहीं होना चाहिए पर उसमें सभी रेलेवेंट टैक्सेस इंक्लूड होने चाहिए, नेट सेलर पेएबल सेट करना होगा जो कि आपके सेलिंग प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट होता है, इसके बाद कॉम्पिटिटर प्राइस, MRP और लास्ट में उस प्रोडक्ट का डिस्पैच SLA। अब आप एड टू कैटलॉग बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको एक सक्सेस मैसेज दिखाई देगा, जिससे कि ये कंफर्म होता है कि लिस्टिंग रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है और साथ के साथ अपनी लिस्टिंग को ट्रैक करने का लिंक भी आप यहीं देख पाएंगे। इसी के साथ ब्रांड्स मैनेज करने और प्रोडक्ट को लिस्ट करने के सारे स्टेप समाप्त होते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा तो इसे लाइक जरूर करें। स्नैपडील के अपडेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।